नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोस्काय में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस से फैली महामारी से अभी दुनिया जूझ ही रही है कि एक और संक्रमण ने स्वास्थ्य एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। यह संक्रमण सेल्मोनेला नामक बैक्टीरिया से फैल रहा है। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले अमेरिका में यह संक्रमण 34 राज्यों के 400 लोगों तक पहुँच चुका है, जबकि कनाडा में भी 50 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। अमेरिका की सबसे बड़ी स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। बता दें कि यह संक्रमण लाल और पीली प्याज से सेल्मोनेला बैक्टीरिया से फैल रहा है। CDC ने जिनके घरों में पहले से ये प्याज हैं या फिर इसे खाना बनाया है उसे फेंक देने की अपील की है। CDC के मुताबिक 19 जून से 11 जुलाई के बीच इसके शुरुआती मामले रिपोर्ट हुए थे। इसके बाद संक्रमण के मामले बढ़े। हालांकि खबरों के मुताबिक सप्लायर एजेंसी थॉमसन इंटरनेशनल लाल, सफ़ेद, पीली और मीठी प्याज वापस मंगवा रहा है। इस संक्रमण के लक्षणों की बात करें तो इसमें डायरिया, बुखार और पेट दर्द जैसे लक्षण दिखते हैं। संक्रमण के 6 घंटे से लेकर 6 दिन के भीतर यह लक्षण दिख सकते हैं और यह बैक्टीरिया संक्रमण गंभीर होने पर आंतों तक पहुंच सकता है। इस संक्रमण से अधिक उम्र के बच्चे और 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग ज्यादा प्रभावित हुए हैं।